नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, जिस घड़ी का हमें बहुत समय से इंतजार था, हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जो सोच रहे थे हम, जिस चीज़ के बारे में हमें कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन मैं आज आपका दूर करने जा रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि हर साल ट्रांसफ़र होते हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, तो हमें बहुत दिनों से कन्फ्यूजन था कि ट्रांसफ़र किस माह में होगा। पहले कुछ प्रयास लगाए जा रहे थे, कुछ आस हो रही थी कि मान लीजिए सितंबर में हो सकते हैं ट्रांसफ़र, फिर सितंबर में जब बात रखी गई तो अक्टूबर माह का लग रहा था कि अक्टूबर माह में जो है ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लग रहा था कि अक्टूबर माह में सभी सरकारी कर्मचारियों के जो है सब प्रत्येक विभाग में ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज एक नया अपडेट देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा कि इस वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वर्ष 2024 में किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जो है नहीं किए जाएंगे। तो तबादला नीति से जो है प्रतिबंध नहीं हटाया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके संबंध में जो जानकारी है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि अब वर्ष 2024 में किसी भी विभाग में किसी भी पद के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यदि बहुत अति आवश्यक होता है, किसी व्यक्ति के लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है ट्रांसफ़र करना या करवाना, तो वो मुख्यमंत्री जी के समन्वय से ही हो सकेंगे। ठीक है, वो भी विशेष परिस्थितियों में, बाकी इस साल किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और भी मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, तो चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है हम सीधे वो बात पर ही चलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर मुख्यमंत्री जी का डिसीजन फाइनल हो चुका है। क्या डिसीजन हुआ है वो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र के मामले में अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र के मामले में अपना फाइनल डिसीजन जो है दे दिया है। क्या दिया है, तो कैबिनेट में जो अभी कैबिनेट बैठक जो बैठी थी, तो कैबिनेट में ट्रांसफ़र पॉलिसी को प्रस्तुत बिल्कुल नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट जो बैठी थी तो कैबिनेट में ट्रांसफ़र पॉलिसी को प्रस्तुत नहीं किया गया, और इस विषय पर जब मंत्रियों ने बात भी की तो मुख्यमंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो डिसीजन लाउड एंड क्लियर है, क्लियर डिसीजन कर दिया है। क्या है कि सन 2024 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, सन 2024 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, प्रतिबंध हटता है ट्रांसफ़र से, तब जाके ट्रांसफ़र होना शुरू होता है प्रत्येक विभाग में। तो जब कह दिया गया है कि सन 2024 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, मतलब अब किसी प्रकार का ट्रांसफ़र जो है सन 2024 में, वर्ष 2024 में नहीं होगा किसी भी सरकारी कर्मचारियों का। सितंबर के महीने में जब मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर प्रेशर बनाया था, तो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों के तबादलों पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने की बात पहले कही थी। पहले कहा था कि अक्टूबर में प्रतिबंध हटा सकते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे, क्योंकि स्कूलों में परीक्षा का समय भी नज़दीक आ गया है। शुक्रवार को एक मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह मैसेज क्लियर करवा दिया कि इस साल शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। अति आवश्यक है तो सीएम समन्वय से ट्रांसफ़र होंगे, यदि बहुत आवश्यक है तो मुख्यमंत्री जी के समन्वय से ट्रांसफ़र हो सकेंगे। यहाँ कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से तात्पर्य उनकी इच्छा के अनुसार पदस्थापना वाले ट्रांसफ़र से है। ठीक है, बहुत आवश्यक रूप से हो तो, ठीक है, तो यहाँ कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से तात्पर्य उनकी इच्छा के अनुसार पदस्थापना वाले ट्रांसफ़र से है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यदि ट्रांसफ़र की ज़रूरत लगती है तो वो निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई अति आवश्यक स्थिति बनती है
और स्थानांतरण ट्रांसफर अनिवार्य हो जाता है तो मुख्यमंत्री जी के समन्वय के माध्यम से किसी भी समय ट्रांसफर किया जा सकेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन में लगा दी, यदि स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है, इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई अति आवश्यक स्थिति बनती है और स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है तो मुख्यमंत्री जी के समन्वय के माध्यम से किसी भी समय ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी प्रकार के विभाग पद अथवा पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हमने देख लिया दोस्तों, इस साल वर्ष 2024 में किसी प्रकार के जो है ट्रांसफर नहीं होंगे किसी भी सरकारी कर्मचारियों के। ठीक है, तो हमने फाइनल डिसीजन देख लिया है, जो हमें बहुत दिनों से कन्फ्यूजन था कि इस साल ट्रांसफर होंगे या नहीं, तो अब ट्रांसफर नहीं होंगे। यदि कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। उन सब के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।